बागपत में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। बागपत के थाना चांदी नगर पुलिस व एसओजी टीम की थाना चांदी नगर क्षेत्र में देर शाम मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस कार्यवाही के दौरान एक शातिर बदमाश भूरा उर्फ इसरार पुत्र मटरू उर्फ इशराक निवासी ग्राम सटला थाना मवाना जनपद मेरठ को मौके से गिरफ्तार किया है। गोली लगने से बदमाश भूरा उर्फ इसरार घायल हो गया, जबकि अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर मई, दो खोखा व दो जिंदा कारतूस, एक स्प्लेंडर बिना नंबर बाइक बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए बदमाश भूरा उर्फ इसरार के विरुद्ध जनपद मेरठ में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगस्टर आदि के करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल घायल बदमाश को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और अन्य की तलाश में जुटी हुई है। आज हमारे चांदी नगर एरिया में खट्टा नहर से जो डौला को रास्ता जाता है उस पर हमारी एसओजी की टीम और चांदी नगर की टीम चिसुद्दी और चांदी नगर की टीम चेकिंग कर रही थी, जिसमें दो बदमाश मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में उनको रोकने का प्रयास किया। जब वो रुके नहीं तो उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की, उसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद एक बदमाश के गोली लगी और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। जब उसको देखा गया तो पता चला कि वो भूरा और इसराक जो सना मटरू इसहाक है जो मवाना का रहने वाला है, वो मवाना से हिस्ट्री सीटर भी है और उस पर लगभग 12 मुकदमे हैं। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दीजिए, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थैंक सर। थाना चांदी नगर में एक मुठभेड़ की घटना हुई है सर, पूरा प्रकरण क्या है सर? चांदी नगर में आज जो नियमित चेकिंग है वो नियमित चेकिंग चल रही थी, तो शाम के समय वहाँ से दो व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहे थे वो एक मोटरसाइकिल से वहाँ से निकले, उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उस पर वो गाड़ी को तेज़ी से भगा करके आगे निकलने का प्रयास किए, इसमें उनका पीछा किया था। वहाँ पर थाने वाले लोग भी थे और एसओजी के लोग भी उधर ही थे, तो जैसे ही ये सूचना फ्लैश हुई उन लोगों ने भी आगे से घेरा। उस घेराबंदी पर इन लोगों ने, उसमें से जो बैठा हुआ आदमी था उसने फायर करना शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर, जिसमें पुलिस ने रिटेलिएशन में फायर किया। उसमें से एक व्यक्ति तो मौके का लाभ उठा करके भाग गया, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो पकड़ा गया, उसके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई। और जब उसकी जानकारी की गई तो पता चला कि ये मेरठ जनपद का एक वो है, मवाना से ये हिस्ट्री शीटर है और इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, इसके तमाम केसेस भी हैं। और इसके पास से वो मोटरसाइकिल जो कि लूट की मोटरसाइकिल बताई जा रही है, अभी वो कनेक्ट नहीं हो पाई है। बाकी एक तमंचा 315 बोर का, दो खोखे और दो जिंदा कारतूस वहाँ से बरामद किए गए हैं। और जो भागा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है, वो जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थैंक यू।